एक दिन वो ब्रह्मलोक गया। और बड़ी चालाकी से उसने ब्रह्मदेव से चारों वेद प्राप्त कर लिए। और जाके समुद्र में छुप गया। क्योंकि सारा ज्ञान वेदों में निहित है, इसलिए संसार से सारा ज्ञान चला गया। जब अज्ञानता का अंधकार फैलता है तो अधर्म बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु सब देख रहे थे, उन्हें ज्ञात था कि शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है। एग्रीव के साथ चारों वेद भी लुप्त होने का भय था। ब्रह्मदेव सृजन करता है, वेदों के अभाव में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करना अत्यंत कठिन। इसीलिए एग्रीव से उन वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। वो एक मछली बने और नदी में अवतरित हुए। राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे, एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। इतनी छोटी मछली? भगवान विष्णु? हाँ, राजा सत्यव्रत उस मछली को जल में छोड़ने जा ही रहे थे कि उस मछली ने बड़ी मछलियों का भय जताते हुए उनसे विनती की, उनसे कहा कि वो उसे अपने साथ ले चले। राजा सत्यव्रत अत्यंत दयालु थे, मछली को अपने कमंडल में शरण दे दी। और अपने महल में ले गए। किंतु रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में रह पाना उसके लिए संभव ही नहीं था। और उसका बड़ा आकार देखने के पश्चात राजा सत्यव्रत ने उसे कमंडल में से निकालकर एक मटके में डाल दिया। मटके में डालने के पश्चात उसका आकार पुनः बड़ा हो गया। तो राजा सत्यव्रत ने उसे मटके में से निकालकर एक सरोवर में रख दिया। किंतु उस एक ही रात में सरोवर में रखने के पश्चात भी उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे नदी में रखना पड़ा। किंतु नदी में रखने के पश्चात भी उसका आकार पुनः बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि यदि उसे महासागर में नहीं रखा जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा सत्यव्रत उसे महासागर की ओर ले गए। क्योंकि राजा सत्यव्रत तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत की उदारता से अत्यंत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप धारण करने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि आज से सातवें दिन प्रलय आएगा, समस्त पृथ्वी जल में समा जाएगी, किंतु आप सप्तऋषियों के साथ साथ अनाज वनस्पति व अशुद्धों की प्रत्येक प्रजाति के बीज और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। केवल एक ही स्थान ऐसा होगा जिसकी ऊंचाइयों को जल छू नहीं पाएगा। मैं लौटूंगा और आपको वहां लेके चलूंगा। ऐसा कौन सा स्थान था? हिमालय पर्वत।
अर्थात तुम्हारी माता के पिता ही मामा। फिर क्या हुआ? ऐसा कह के भगवान विष्णु समुद्र में चले गए और अपने मत्स्य रूप में उन्होंने हेग्रीव को ढूंढ निकाला, उस दुष्ट का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो क्या प्रलय आया? हाँ, ठीक सातवें दिन। किंतु भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा सत्यव्रत एक विशाल नौका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विष्णु जी एक सींग वाली विशाल स्वर्ण मत्स्य रूप में प्रकट हुए। नौका को मत्स्य से बांधते हेतु सर्पराज वासुकी का प्रयोग किया गया और विष्णु जी ने अपने वचन अनुसार उन सबको हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि प्रलय के पश्चात वेदों के आधार पर संसार पुनः बसाया जा सके। राजा सत्यव्रत मनु कहलाए। मनु अर्थात मानव जाति के प्रजनक। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने न केवल वेदों को पुनः प्राप्त कर अपितु समस्त संसार का कल्याण भी। अर्थात भगवान हर संकट में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं।